तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे ब्लेड और नो ब्लेड के बारे में, और दैट इज़ वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल पे मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में, और अगर आप पैसिव इनकम में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप मुझे पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ब्लेड और नो ब्लेड, जैसा मैंने बोला। तो जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ ये कुछ ऐसे हैं। पहले तो मैं बताने वाली हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है ब्लीड और नो ब्लीड के का, विद एग्जांपल्स ऑब्वियसली। दूसरी साइज़ है, दूसरी बात जो मैं बात करने वाली हूँ वो है कि पेज साइज़ क्या हम इंक्लूड करते हैं विद और विदाउट ब्लीड जब हम अपना मैन्यूस्क्रिप्ट इंटीरियर अपलोड करते हैं। और तीसरी बात है कि अपने इंटीरियर के लिए हम कब चूज़ करेंगे ब्लीड या फिर नो ब्लीड। ओके, तो पहली बात की डिफरेंस क्या है। ब्लीड का होता है कि मैं आपको एग्जांपल पहले दे देती हूँ, ये ब्लीड है और ये नो ब्लीड है। आप इन दोनों में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये येलो कलर है वो पूरे पेजेस के अंत तक गई हुई है ना जी। और यहाँ पे ये कुछ एक दायरे में है अपने, और ये पूरे एज तक एक्सटेंट नहीं है। यही डिफरेंस होता है ब्लीड और नो ब्लीड के बीच में, है ना। ब्लीड में जो भी आप पिक्चर्स लिखेंगे अपने इंटीरियर में, अगर आपके पिक्चर्स हैं, अगर आपके टेक्स्ट हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, अगर वो एज तक जाते हैं दैट मीन्स कि आप ब्लीड सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं जाते हैं दैट मीन्स कि आप नो ब्लीड सेलेक्ट करेंगे। यही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि इंटीरियर में तो हम डिसाइड करते हैं कि वो ब्लीड है या नो ब्लीड है, बट जब कवर की बात आती है तो केडीपी का कवर हमेशा ब्लीड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत कुछ डिज़ाइन बनाते हैं अपने कवर पे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो ये हमेशा ब्लीड होता है कवर बाय डिफ़ॉल्ट, सो यू कैन नॉट चेंज इट, आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये पहला पॉइंटर आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात है कि इंटीरियर्स में ब्लीड या नो ब्लीड कैसे होता है, क्यों होता है। तो जब भी कोई बुक को प्रिंट करता है अमेज़ॉन, तो उसको एक उसका एक एज जो है वो कटता है उसको प्रिंट होने में, उसको 0.125 ये कट जाता है, टॉप से भी, बॉटम से भी और आउटसाइड एजेस से भी। तो अगर आप 0.125 का मार्जिन नहीं देंगे तो आपका अगर कोई डिज़ाइन वगैरह है वो भी तो कट सकता है। तो इसलिए अमेज़ॉन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलता है कि मैं इतने पे आपका पेजेस ट्रिम करूँगा, है जी। इसलिए हमको ये जो डिफरेंशिएशन है 0.125 ये अपने इंटीरियर में ऐड करना पड़ता है। इन ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन योर पेज टू रीच ऑल द वे टू द एज ऑफ द पेज, दोज ऑब्जेक्ट्स मस्ट एक्सटेंड पास्ट वेयर द पेज विल बी ट्रिम। जैसा कि मैंने बोला वो यही बोल रहा है कि आपको अपना पेज में इतना मार्जिन छोड़ना ही पड़ेगा, टॉप से भी, बॉटम से भी और आउटसाइड एजेस से भी। इसका मतलब कि आपको पेज साइज़ का जो साइज है वो आपको 0.125 ऐड करके करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अगले स्लाइड में बताने वाली हूँ। तो ये है हमारा पेज साइज़ कि हम जब ब्लीड और नो ब्लीड लेते हैं तो उस केस में हमारा क्या पेज साइज़ रहता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था विदाउट ब्लीड, विदाउट ब्लीड मतलब ये चीज़ यहाँ पे एक एक्सटेंट में रहता है, ब्लीड मतलब एजेस तक जाता है। तो जब विदाउट ब्लीड हुआ तो आपका जो साइज़ है वो कुछ ऐसा ही रहेगा, 5x8, 5x8, 8.5x11। बट जब हमारी बात आती है ब्लीड की, ब्लीड मतलब ये एक्सटेंट जब होएगा, उस केस में आप क्या करेंगे 0.125 ऐड करेंगे। अगर आपको ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है तब भी कोई बात नहीं, आप इसका वीडियो को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए और उसको अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगर आप अपना बुक बनाएंगे और वहाँ पे अगर आपको ब्लीड या नो ब्लीड समझ नहीं आएगा या पेज साइज़ आपको समझ नहीं आएगी तो आप बस ये डायग्राम खोलेंगे और बस आप देख लेंगे कि क्या साइज़ होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लीड है या नो ब्लीड है। लेकिन जिसको मैथमेटिक्स जानना है उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या बोला था, 0.125 हमको अपने पेज साइज़ में ऐड करना पड़ता है ब्लीड के केस में, और वो कब होता है, टॉप, बॉटम और आउटर एज में। तो टॉप में तो मैंने ऐड कर दिया, तो जैसे 5x8 था तो 5 प्लस 0.125 करेंगे आप तो आएगा 5.125,
और 8 है। अब इसमें आपको आउटर एज और बॉटम दोनों का ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब 0.125 प्लस 0.125 दैट इज़ इक्वल टू 0.250, राइट। तो ऐड प्लस 8 प्लस 2.0 इज इक्वल टू 8.250, राइट, समझ रहे हैं आप। तो इसी तरह आप सारे साइजेस में ये सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। अब बात आती है कि कब चूज़ करना है आपको ब्लीड अपने इंटीरियर के लिए। अगर आपका कोई भी इमेजेस, इलस्ट्रेशंस या टेक्स्ट या कुछ भी आपके बुक में अगर वो एज तक जा रहा है, उस केस में आप ब्लीड चूज़ करेंगे। और ये मैटर नहीं करता है, अब आप ये मत पूछिएगा मुझसे कि प्रियंका मेरा तो एक ही पेज जा रहा है ब्लीड के अंदर, बाकी तो मेरे नॉन ब्लीड में है। अगर आपका एक पेज भी जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट होगा वो ब्लीड के साथ ही उसको आप अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर एक भी पेज गया दैट मीन्स कि आपका इंटीरियर जो है उसको ब्लीड रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपका कोई भी मान लीजिए आप लॉग बुक बना रहे हैं जी, लॉग बुक बना रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आपका जो एरिया होता है वो इतना ही होता है और इसमें कोई इमेज विमेज नहीं होता है, सीधे सीधे अपन ये कर देते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे कॉलम्स बने होते हैं और ये लॉग बुक बन जाती है, तो उसमें तो ऑब्वियसली आप नो ब्लीड सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर बात आती है कलरिंग की और उसमें कोई ऐसा बॉर्डर वॉर्डर नहीं है और यहाँ से कुछ कुछ डायग्राम इधर है कोने पे है साइड में है, तो उस केस में तो आपको ब्लीड चूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप उस केस में ब्लीड चूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये फंडा लेके चलेंगे, दैट इज़ यू हैव टू ऐड 0.125 उसके डायमेंशंस में, ठीक है जी। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें यही बता रहा है कि आपको अपना क्यों बोलता है अमेज़ॉन 0.125 ऐड करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला कि वो जब कट करता है तो आपकी जो अंदर कंटेंट है वो भी कट सकती है और एक वाइट बॉर्डर भी आ सकता है, तो उसको हटाने के लिए हम ये करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या एक कोई फार्मूला भी होता होगा जिससे कि मैं अपने बुक के डायमेंशंस को, पेज के विड्थ और हाइट को कैलकुलेट कर सकूं विथ ब्लीड, क्योंकि नो ब्लीड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विथ ब्लीड में क्या फार्मूला अगर आप सोच रहे हैं क्या मैं यूज़ कर सकता हूं, तो वो भी यहां पे फार्मूला मैंने दे रखा है। अगर आप इंचेस में सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे ट्रीम हाइट प्लस 0.125 × 2 ब्लीड, और ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है जी। वैसे ही आपका ट्रीम विड्थ प्लस 0.125 और ब्लीड, तो दैट मीन्स कि अगर आप, मैं एग्जांपल ले रही हूँ जैसे कि 6 × 9 इंचेस है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, 6 + 0.125 × 9.250, 250 यहाँ पे मैंने ऐड किया है इस फार्मूला से, तो 9.250 अगर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इतना आएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई हो, अगर आई है तब भी मुझे बताइए, अगर नहीं आई है तब भी मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर भी मैं कमेंट में भी बताने की कोशिश करती हूँ, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 800, एंड आई एम सो हैप्पी विथ इट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं तब मुझे और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो या दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर आपने एंजॉय किया तो लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।